नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम और आपके पसंदीदा शो सितारों का आईना में, जिसमें हम आपको बताते हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी किसी फिल्म नाम चेहरे हस्ती गाने ट्रेलर का आईना, जो होते हैं उनके दर्शक, जो हर अच्छे बुरे भले को जज करके पहुंचाते हैं उन तक अपने कमेंट्स के जरिए, अपने व्यूज के जरिए और अपने प्यार के जरिए। और उसी प्यार को हम अपने इस खास प्रोग्राम में लेकर आपके लिए आते हैं। और आज हम लेकर आए हैं पवन सिंह की फिल्म वांटेड का आईना, जो पूरी फिल्म रिलीज हो चुकी है सोशल मीडिया पर। इस फिल्म को देखने के बाद कितने लोगों ने फिल्म की तारीफ की है, कितने लोगों ने फिल्म में कमियां निकाली है, तो इससे ही जुड़े कुछ आलोचनात्मक कमेंट और कुछ सकारात्मक कमेंट हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वांटेड फिल्म से जुड़ी एक खास जानकारी जान लीजिए। यहाँ भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म वांटेड पिछले साल 2018 की सबसे हिट फिल्मों में शामिल हो चुकी है। इस फिल्म का एक गाना पलंगिया ये राजा सोने ना दिया सबसे ज्यादा हिट साबित हुआ था। दो सप्ताह पहले ही इस फिल्म को YouTube पर भी रिलीज कर दिया गया है और सिनेमाघरों की तरह ही इस फिल्म को सोशल मीडिया पर भी खूब सारा प्यार मिला। पवन सिंह के साथ इस फिल्म के जरिए पहली बार मनी भट्टाचार्य, अमृता आचार्य, विपिन सिंह, अयाज खान, जय सिंह नजर आए थे। इस फिल्म का एक गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और बाकी के गानों को भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। इन फिल्मों के गानों में पवन सिंह के साथ इंदु सोनाली ने अपनी आवाज़ दी थी। इस फिल्म की कहानी को लिखा वीरू ठाकुर ने और डायरेक्ट किया था सुजीत कुमार सिंह ने। सुजीत कुमार ने जितनी भी फिल्में पवन सिंह के साथ की हैं वो हिट साबित हुई हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर दो सप्ताह में इस फिल्म को 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। सोशल मीडिया पर इस फिल्म को देखने के बाद लोगों ने दूसरे पार्ट की भी डिमांड कर दी है और लगातार इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म के दूसरे पार्ट पर भी बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अभी तक पार्ट 2 बनाने का कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आया है। नेक्स्ट टू 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। पवन सिंह को इंडस्ट्री का पावर स्टार कहा जाता है। उनकी हर फिल्मों का दर्शकों को इंतजार बेसब्री से सिनेमा घरों में भी रहता है और सोशल मीडिया पर भी। तो कौन है वो फैन जिन्हें पवन की हर फिल्म आती है बहुत पसंद, जो पवन की हर फिल्म पर देते हैं अपना प्यार कमेंट के जरिए और करते हैं खूब सारी तारीफ। देखिए पहला कमेंट है माही राजपूत का, जो लिखती हैं सो एड्रोबल मूवी पवन सिंह जी। अंकुश कुमार लिखते हैं सुपर सुपर एक्शन मूवी। रत्नेश कुमार लिखते हैं 2018 के ब्लॉकबस्टर मूवी है पवन भाई। अर्चित कुमार लिखते हैं नाइस फिल्म, आप बहुत अच्छे भोजपुरी एक्टर हैं सर। मिराज आलम लिखते हैं जहां देखो आपका ही तहलका है, शेर सिंह हैं आप। अब्दुल मन्नन लिखते हैं पवन यू आर अ ग्रेट मैन। सचिन कुमार लिखते हैं शेर हव पवन सिंह जी भाई, हिट मूवी है, प्लीज़ और बनाना ओके सचिन। मोहम्मद रजा लिखते हैं सुपर हिट मूवी पवन जी। वीरेंद्र कुमार लिखते हैं पलंगिया सोने नहीं दिया सुपर हिट हो गया है पूरे भारत में, पवन सिंह भाई का छोटा सा गाना भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। अब आगे इन्होंने जो भी लाइन लिखी है वो हमारे समझ से परे हैं, लेकिन इन्होंने पवन सिंह के बारे में ही लिखी है और पवन सिंह की बड़ाई की है। इससे ये साबित होता है कि इन्हें भी पवन सिंह की ये फिल्म बहुत पसंद आई है। मोहम्मद अफजल लिखते हैं भाई मेरा सपना पूरा हो गया आज ये मूवी देख कर, मैं बहुत इंतज़ार किया था इस मूवी का, लव यू पवन भाई जान। विशाल कुमार लिखते हैं जियो शेर भारत माता की जय। नीलेश पटेल लिखते हैं प्लीज मेकिंग भाई वांटेड टू। रज शेनी लिखते हैं हमें गर्व है पवन सिंह ऐसी मूवी बनाते रहे, मस्त मूवी। अक्षय लिखते हैं वाव पवन भाई। लिटिल ट्रॉक लिखते हैं यूट्यूब पर पूरा बवाल मचा है यार। मोहम्मद नासिर लिखते हैं गुड। मुन्ना अंसारी लिखते हैं सुपर मूवी। प्रशांत गुप्ता लिखते हैं ब्लॉकबस्टर वांटेड, ये वही मूवी है जो 80 दिन से ज़्यादा सिनेमा हॉल में लगी हुई थी, 2018 की सबसे ज़्यादा दिन तक चलने वाली फिल्म, इसको यूट्यूब में भी सुपरहिट बनाएं भाई लोग। काजोल लिखती हैं वेरी गुड। कुंदन क्रांति लिखते हैं सुपरहिट फिल्म भाई हो, पवन सिंह के फिल्म खूब देखे हम। ये अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट जाने के बाद वक्त हो चला है कुछ आलोचनात्मक भरे कमेंट जान लेने का, जिसमें हम आपको बताते हैं उन लोगों के कमेंट जो फिल्मों को और गानों को देखने के बाद उन गानों और फिल्मों में निकालते हैं कुछ कमियां और देते हैं अपनी राय। कई लोग गुस्सा भी निकालते हैं क्योंकि एक स्टार सबको तो इम्प्रेस नहीं कर सकता ना भाई। तो जिन लोगों को पवन सिंह की फिल्म वॉन्टेड में लगी है थोड़ी बहुत कमी, उन्होंने कैसे की है आलोचना देखिए। अभिषेक कुमार लिखते हैं बकवास, इन्होंने दोबारा सही से बकवास बताया है। असलम लिखते हैं बकवास फिल्म है, इससे अच्छा खेसारी भैया का फिल्म है संघर्ष। मोहम्मद जुबेर लिखते हैं ये मूवी केवल सलमान खान पर अच्छा लगेगा।
दीपू गुप्ता लिखते हैं, पुलिस स्टेशन में जहां पवन भाई अंडरकवर पुलिस बन रहे हैं वहां फ्लैग उल्टा है। आप लोग शूटिंग के टाइम नहीं देखा कि जैसे मन किया वैसे ही बना देते हो मूवी। पवन कुमार लिखते हैं, अकेली अक्षरा और लूलिया को टक्कर देती है। मोहम्मद दिलशाद लिखते हैं, घटिया मूवी। उमेश चौधरी लिखते हैं, भाई आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ क्वालिटी लाइए, हिंदी पिक्चरों से कंपेयर कीजिए कि आप लोगों में कमी क्या है, डायलॉग के समय और बाद में चेहरे के एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए और कितने देर के लिए होने चाहिए। झूठी वाहवाही के लिए बहुत लोग मिल जाते हैं मगर आपकी कमियों को दिखाकर उसमें इम्प्रूवमेंट कराने की कोशिश कोई नहीं करता। भगवान कसम, आप लोगों की भोजपुरी मूवी से अच्छा तो आजकल टीवी सीरियल बन रहे हैं। मानता हूँ कि टीवी सीरियल के बैकग्राउंड में भी ज़्यादा ही बम फोड़ते हैं, पर वो एक एपिसोड है, उनको कुछ ज़्यादा ही लंबा खींचना होता है, वो एड से पैसा कमाते हैं। पर आप लोगों को इन सभी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि हम एक एज अ व्यूअर आप लोगों के इस भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या चाहते हैं। आशा करता हूँ अगले पिक्चर में कुछ तो इम्प्रूवमेंट करेंगे ही। थैंक्स फॉर रीडिंग। अगला कमेंट सुराभि भट्टाचार्य का है जो लिखती हैं, गिव हीरोइंस नेम, कॉमन सेंस नहीं है। कुमार मनीष लिखते हैं, प्राइवेट पुलिस स्टेशन होना चाहिए। वेल, इन सारे कमेंट्स में एक कमेंट सबसे यादगार रहा और वो रहा उमेश चौधरी का, जिन्होंने बहुत ही पते की बात की है। उम्मीद है ये कमेंट आगे तक पहुंचेगा और फिल्म मेकर्स इस पर थोड़ा जोर भी देंगे। ऐसे कमेंट से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम हमेशा कहते हैं बात होनी की होती है जिनमें कोई बात होती है, और बेशक से लोगों ने आलोचना की हो लेकिन उससे ज़्यादा लोगों को ये फिल्म पसंद भी आई है। इसलिए आज का इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही सोशल मीडिया पर रिलीज़ होने वाली किसी फिल्म, नाम, चेहरे, हस्ती, गाने, ट्रेलर का आईना लेकर। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।